Roddy. Everybody knows that? Yes, ma'am. हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एक चैप्टर है बेटा हमारा प्लस में हाइड्रोजन कर देते हैं इसके साथ, हाइड्रोजन इंडिविजुअली हाइड्रोजन की स्टडी है इसमें, एंड आफ्टर दैट इज अ एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये हम कंबाइंड वे में पढ़ेंगे, मतलब एक साथ स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं इस चैप्टर को पीरियोडिक टेबल ही बोल रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो टॉपिक में मेंशन किया है ना, वो यहाँ पे एस ब्लॉक मेंशन किया है बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट में ही हाइड्रोजन आएगा और उसके बाद हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो भी मेन मेन पोर्शन होगा दैट विल डिस्कस हियर। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द टैबुलर फॉर्म। पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? एक टैबुलर फॉर्म हो गया। एंड व्हाट वुड बी द, यू कैन से बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि देखो क्लासिफिकेशन जैसे अभी आप सब लोगों का एक ग्रुप बना दिया हुआ है कि दैट इज अ 12th जेई ग्रुप, ठीक है ना? ऐसे ही आपका 12th का नीट का ग्रुप बना हुआ है एक। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखते होंगे एलिमेंट्स, उनको एक प्लेस पे रखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? तो अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबुलर फॉर्म इज डन इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, that the elements with the similar properties are placed together, ठीक है? मतलब एक जैसी properties के जो elements हैं वो एक place पे हों, ये है classification of elements in the periodic table का meaning। तो बेटा बहुत देर पहले दैट इज इतने ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, जैसे नाउ अ डेज वी नो द अप्रोक्सीमेटली 120 एलिमेंट्स आर नोन। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब कम थे, लेस एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, इट इज इजी टू रिमेंबर द नेम्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा ग्रुप बनाते हैं हम, एक 10 to 15 स्टूडेंट्स वाला एक बैच हमने बना दिया, उसमें सभी टीचर को सभी बच्चों के नाम पता होते हैं और सबके बारे में पता होता है, उनकी परफॉर्मेंस का पता होता है। अब जैसे जैसे क्लासेस का यू कैन से साइज बढ़ता है तो इट इज डिफिकल्ट, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है। जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेके क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ना? ये ए लाइन वाले वो बच्चे हैं, बी वो है, सी वो है, जिनके मार्क्स अकॉर्डिंगली दिस इज दिस एंड दैट है। तो इसी तरह से जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना था, पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है, बस एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक टेबल। तो काफी सारे साइंटिस्ट आए थे पिक्चर में, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी सारे मॉडल्स पढ़े हैं, दैट मॉडल्स वर रिगार्डिंग द यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। इसी तरह से जितने भी आपके पास नोन एलिमेंट्स हैं उन सबको अरेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने सजेशन दिए, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स वर देयर जिन्होंने ये बोला कि आप इनको इन इन बेसिस पे रखो। मैं एक दो नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जैसे एक हमारे पास था साइंटिस्ट डोबर्नर ने ट्राइड्स दिए थे। ट्राइड्स क्या होता है ना, ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ द
थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, और उसने बेसिस क्या रखा था ट्रायड का, थ्री एलिमेंट्स ग्रुप। उसने बोला था ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो तीन का उसने ग्रुप बनाया था, मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द रिमेनिंग टू, एटॉमिक वेट ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। तो ये उसने क्लासिफिकेशन का बेस रखा था। जो इसने ट्रायड दिए थे उनमें से एक है, जैसे लिथियम सोडियम पोटाशियम का उसने ट्रायड दिया था, लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम। तो ये 7 होता है, ये 23 होता है, ये 39 होता है। ये मैंने एटॉमिक वेट लिखे हैं बेटा, किसी भी एलिमेंट में अगर उसका सिंबल एक्स है, यहाँ पे उसका एटॉमिक वेट लिखा जाता है, जिसको आप एटॉमिक मास भी बोलते हो, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो 23 को देखो आप, 39 और 7 का एवरेज है ये, 46 हो गया, 46 डिवाइडेड बाई 2। अब सारे के सारे एलिमेंट बेटा 3 के मल्टीपल हो ये भी जरूरी नहीं है, मींस इन अ ग्रुप ऑफ द 3 नहीं अरेंज हो पा रहे थे। फिर उसके बाद एक क्लासिफिकेशन के लिए साइंटिस्ट आया था जिसको लॉदर मेयर बोलते थे, एक साइंटिस्ट था जिसको न्यूलैंड बोलते थे, न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं उसको, ऑक्टेव्स। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसको आप लॉदर मेयर, न्यूलैंड एंड आपका मेंडलीव था, मेंडलीव के बाद एक साइंटिस्ट था मोजले। देखो लॉदर मेयर ने क्या किया था, इसने भी एटॉमिक वेट को रेफरेंस माना था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, मतलब जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम है उसे सबसे पहले रखा जाए, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे, और इससे उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही रिपीट होती है, मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ने से बढ़ती है, घटने से घटती है। न्यूलैंड ने एक लॉ बना दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, ये मैं थोड़ा आपको डिक्टेट ही कर देती हूँ क्योंकि ऐसे कुछ नहीं आएगा आपको इसमें से। तो बेसिकली जो यूज होगा वो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या बोला था, जैसे We are having a 7 notes of a music like सा रे गा मा पा धा नी, तो आठवां फिर क्या आ गया, सा आ गया। तो उसने कहा कि whenever you are arranging the elements in the increasing order of their atomic weight, तो properties repeat after 7, सात के बाद जैसे सुर repeat होते हैं तो वैसे ही आठवें elements की properties first element से match करेंगी। Mendeleev ने भी किसके base, किसको बेस माना, मेंडलीन ने एटॉमिक मास को बेस पे बेस रख के एलिमेंट्स को अरेंज किया और काफी सक्सेसेस मिली थी मेंडलीव को। मोजले नाउअडेज हम जिसका पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड दैट पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, तो वैसे बोहर का भी जो आपका वे था, बोहर ने क्या किया था, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है बच्चा, बोहर ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे यानी कि इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको एटम के अंदर कैसे रखा जाए इसके लिए मॉडल दिया था, हमने ये बात पढ़ी है। नाउ व्हाट इज अ कोरिलेशन, देखो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, वो सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया गया एलिमेंट्स को भी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए। तो बोहर का भी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ऐसे टेलुरिक हेलिक्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हेलिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया था, तो मतलब काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी। आफ्टर लॉन्ग द इन्वेस्टिगेशंस नाउ वी आर यूजिंग दिस मोजलेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं थोड़ा सा आपको इसका आउटव्यू देती हूँ, देन वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। बेटा कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड? यस मैम। ओके, तो आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। इट इज जस्ट लाइक we are having, this is called as the skeleton bolungi main isko, means basically hum rough si ek structure draw karenge isme like this।
दिस थिंग, ठीक है, इसको हम यहां से ऐसे भी एक्सटेंड कर देते, देखो बेटा आपको टू टाइप की वेव समझ आ रही होंगी, है ना, कैसे मैंने इसको अरेंज किया है। देखो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज आर, क्या नाम बताया था इसका मैंने अभी आपको, विश्व फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, यस हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल। चलिए तो आर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू द फोर ब्लॉक्स, मैं इसको मॉडर्न नाम देती हूँ, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ, बोथ आर द सेम इन द वन थिंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड वी आर गोइंग टू यूज अ शॉर्ट फॉर्म पीटी फॉर दैट पीरियोडिक टेबल। तो बच्चा हमारा पीरियोडिक टेबल इट इज डिवाइडेड इनटू द फोर ब्लॉक, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट वी आर हैविंग द एस ब्लॉक, इन द एक्सट्रीम राइट वी आर हैविंग द पी ब्लॉक, in between the S and P block we are having the D block, and in the bottom of the periodic table we are having the F block. F block is just the you can say two we are having series, we must say these are the two series of the 14 elements each. Now why our periodic table is divided into the four block, or what is the basis regarding that? अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लास्ट स्लाइड में भी मेंशन कर देती हूँ, रुको, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोजले ने दिया है वो किस किसके बेस पे बना है बेटा, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सब बच्चों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, और इसका कॉज क्या है पीरियोडिसिटी का, या इसका मेन पॉइंट क्या है, देखो जो सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, ठीक है, आई वॉन्ट से दिस इज अ सिमिलर, आई विल से दिस इज अ सेम, एग्जैक्टली सेम, वेट अ मिनट, विल मेंशन हियर द सेम, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जिन जिन एलिमेंट्स में आती थी वो सेम प्रॉपर्टी रखते थे, वो क्या रखते थे, सेम प्रॉपर्टी। तो किसी से अगर पूछा जाए मोजले से कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज, वो बोलेगा जो जो एलिमेंट्स एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन रखते हैं वो एक साथ रखे गए हैं, ठीक है, मींस पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज में आती है या जो रेपिटेशन प्रॉपर्टीज में आता है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किससे लिखते हैं हम, एटॉमिक मास से लिखते हैं या एटॉमिक नंबर से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोजले ने एक रिलेशनशिप भी निकाला था, तो दैट इज न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड, मतलब उसने बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसलिए इसने इसको यूज किया। तो बाकी हमारे पीरियोडिक टेबल की फोर ग्रुप्स में, फोर ब्लॉक में डिवीजन भी इट इज जस्ट ऑन द सेम बेसिस, जो जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा जिनका, वो एस ब्लॉक में लाई करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन द पी ऑर्बिटल इन द पी सब शेल दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ द पी ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक इज एट द एक्सट्रीम राइट, और जो एलिमेंट्स बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटर मोस्ट डी में एंटर होगा वो इस ब्लॉक में इन बिटवीन एंड दिस इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। तो ये क्लियर है ना सभी बच्चों को, इतना तो पता है हमें, यस मैम। अच्छा बेटा दो तरह से पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल को, एक तो हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, और ग्रुप किसको बोलते हैं जब टॉप से बॉटम आते हैं, जिसको आप मैथमेटिकली बोलते हो वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, और दूसरी टाइप का स्टडी कैसा करेंगे पीरियोडिक टेबल का, पीरियड अलोंग द पीरियड, जैसे मैंने एरो लगाया दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, दीज आर द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, इन आर एस ब्लॉक वी आर हैविंग द टू ग्रुप्स, दिस इज अ ग्रुप नंबर वन एंड दिस इज अ ग्रुप नंबर टू, टू ग्रुप्स आर देयर इन द एस ब्लॉक, ठीक है, और ये दो जो ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक में दे आर फेमस बाय सम कॉमन नेम्स, द ग्रुप वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द ग्रुप वन इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, यस, एंड द ग्रुप टू इज कॉल्ड एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
D block elements are called as a transition elements. We use a name transition elements. Transition elements क्यों कहते हैं? Because they transfer the character. Mean to say, अगर आपकी extreme left में metals पड़ी हैं, तो P block में आगे जाके extreme right में non-metals आएंगी. तो in through these elements, the metallic character is transferred to transition change. To the non-metallic character. That's why we are giving it the name D transition elements. The other name that is called as a D block element. आपने लिख ही दिया है इसका. And this is your D block. और D block के ना बीच में से ही when you will study बेटा first, second and third transition series. So third transition series में ही 57 के बाद आगे जाके next element 58 onwards F block में आ जाएंगे. तो F block इनके बीच से ही start हो जाता है 71 तक. तो इसलिए इसका नाम है inner transition elements. Inner transition elements. ठीक है. और यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्रुप 3-2 ग्रुप नंबर 12. ये 10 ग्रुप इसमें है और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 and 18. एंड कुछ इनके भी कॉमन नेम्स हैं, जैसे ग्रुप नंबर 18 नॉबल गैसेस हैं. इनिशियली इसको बोला जाता था इनर्ट गैसेस, बट द नेम इनर्ट गैसेस इज misnomer because inert means जो बिल्कुल ही react नहीं करते, stable हैं, but actually some of the compounds of the noble gases are found. इनके कुछ compound हमें मिले हैं, तो that's why we can't say कि these are the inert gases. Noble gases is more appropriate. Group number 17 के elements को क्या बोलते हैं बेटा? Halogen. Yes, they are called as a halogen. Group number 16 के elements को? Chalcogens. हाँ जी, chalcogens. ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को निक्टोजेंस. बाकी 13 एंड 14 को फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं. जैसे ये बोरॉन से स्टार्ट होता है, इट्स कॉल्ड एज अ बोरॉन फैमिली. एंड टू द ग्रुप नंबर 14 वी कॉल इट एज अ कार्बन से स्टार्ट होता है, तो वी कॉल इट एज अ कार्बन फैमिली. एंड हियर द सम ऑफ द मोर नेम्स आर देयर लाइक S and P block को collectively बोलते हैं representative element. S plus P block elements are collectively called as a representative. Representative is a one word and the other word is a main group elements. They are called as a main group elements. Okay. तो दिस इज अ सम ऑफ द वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं. बच्चा इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1-2. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज NS1-2? सब बच्चों को पता है ना कि एस ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जो ग्रुप 1 रहेगा उन सभी की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी. तो बेटा वो ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू द वन ग्रुप दे आर हैविंग द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द ग्रुप. मैं बार बार बोल रही हूँ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, इसलिए अलोंग द ग्रुप वो सब एलिमेंट्स होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी. एंड हेयर वी आर हैविंग द NS2. सेपरेटली करेंगे तो NS1 NS2 यहां जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 एंड NP1-6. व्हाई आई एम टेलिंग इट 1-6? क्योंकि पी में पी सबशेल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 एंड NP6 कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता जाएगा. अब डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, इसको भी आप ग्रुप वाइज स्प्लिट अप कर सकते हो NS2 NP1 NS2 NP2. ठीक है. और डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी N-1, दैट इज कॉल्ड एज N-1. जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट. N-1 D1-10 एंड NS2. ओके. अब बेटा N-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. एवरीबडी नोज दैट द फिलिंग ऑफ द NS ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अर्लियर देन द N-1, है ना. मतलब 3D और अगर 4S में कंपैरिजन करें, हमने बोहर बोरिस रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था. तो द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 4S ऑर्बिटल फर्स्ट फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D ऑर्बिटल. इज इट करेक्ट? यस मैम. Whenever the electron enters into the outermost shell first and after that the electron enters into the second last shell,
दैट इज कॉल्ड एज अ पेनल्टीमेट शेल. सेकेंड लास्ट शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट. तो ये पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन फेल होता है, तो इसलिए आपको एनएस टू ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा सब में. हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे एनएस वन भी मिलेगा आपको. इन ऑर्डर टू हैव अ हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, कई बार एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से डी में ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी गैप कम है. इसी तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन है जनरल एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन. टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन द एफ सबशेल. देन इज एन माइनस वन डी जीरो और वन डी में सिर्फ जीरो या एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड एन एस टू. तो दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एस पी एंड द डी एस पी डी एंड द एफ ब्लॉक्स. ओके, इज दैट क्लियर? बेसिक क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस मैम. ओके ओके. तो दीज आर द एलिमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट. So as we have done regarding the S block element in the extreme left of the periodic table, we are having the two groups. These two groups are having the one electron in the group one, one electron in each element, one valence electron. So NS1 general configuration ho gayi aur group one ho gaya aapka. Yahan pe aa gaya beta hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are the elements belonging to the group one. Okay, these are the elements belonging to the group one of the periodic table. Now I am giving you the one of the trick how to calculate the atomic number of these elements, and it is mandatory to learn the elements according to the group. Down the group, जैसे आपके elements हैं, उसको भी learn करना है आपको. So this is a one of the sequence that I am giving you. That is a 2, 8, 8, 18, 18, and 32. तो बेटा ये नंबर आपको लर्न करने हैं एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न दीज नंबर्स बिकॉज यू नो दैट द फर्स्ट शेल कंटेन्स द टू इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट एट इलेक्ट्रॉन्स, देन एट इलेक्ट्रॉन, देन 18, 18 एंड 38. तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, प्रोबेबली से फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, देन यू हैव टू एड दीज नंबर्स एंड देन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा. हाइड्रोजन में व्हेन यू आर गोइंग टू एड द 2 तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट? 3 वुड बी देयर. और उसमें 8 ऐड करोगे तो देन इट वुड बी 11. इफ यू आर गोइंग टू ऐड अगेन 8, दैट वुड बी 19. देन 18, देन इट इज अ 37. देन 18, दिस इज अ 55. देन 32, दिस इज अ 87. तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो एटॉमिक नंबर सबके लिख लेने हैं. रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ वेरी वेरी इजी. The first is a 1s1, then you have to change the value of the principal quantum number. What is the principal quantum number here? This is a 1, so here will come 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 and 7s1. These are the valence shell electronic configuration for all the elements. Okay. तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसलिए प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आती हैं. बिकॉज प्रॉपर्टीज मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सब में सेम है, तो दे आर सेम ओनली. And this is about the physical properties भी काफी आपकी अब vary करती है, तो एक regular periodically vary करती है, एक regular trend होता है उसमें. तो in each block we will study first the physical properties. जो आपका periodic properties है ना, classification of elements में, वो मैं यहाँ पे ही साथ साथ clear कर दूंगी. मैंने पहले ही सब chapters के नाम लिख दिए हैं that we are going to cover in this, the physical properties. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कवर कर ली है उसमें. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द सेकेंड वन इज द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई. रेडियई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस बेटा. एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई. अब एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई क्या है, क्योंकि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर नहीं पढ़ा, तो पहले इसको डिफाइन भी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट. देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में से पहले एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं क्या होता है.
एटॉमिक रेडियस, देखो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो ये है एटॉमिक रेडियस. ठीक है, मतलब किसी भी, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन्स के ही पाथ हैं. अगर इलेक्ट्रॉन, दीज आर नॉट लाइक द बेंचेस इन द क्लास, कि स्टूडेंट नहीं भी है तो भी बेंचेस हैं. इट इज जस्ट अ एम्प्टी स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, और जहां पे रिवॉल्व करता है दैट वी कॉल इट एज अ शेल, ऑर्बिट या ऑर्बिटल. अगर रीजन की बात करेंगे 3D पिक्चर की तो ऑर्बिटल. तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इससे कितने डिस्टेंस पे है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ साइज. दिस इज कॉल्ड एज अ साइज. एंड साइज भी लिख देते हैं इसको, एटॉमिक रेडियस भी करेक्ट वर्ड है, साइज भी लिख देते हैं इसको. ठीक है, तो दिस इज योर एटॉमिक रेडियस. तो पहले थोड़ा इसको बेसिक से भी सीख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स का होता है. ये कर दो शिफ्ट स्लाइड बेटा. यस मैम. यस मैम. ठीक है, टाइप्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस. रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, सबसे पहला है कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस क्या है? देखो बेसिकली एटम इतना छोटा है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस है ना. तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू रेडियस की कैलकुलेट ही नहीं हो सकती. जो कैलकुलेट हो सकती है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. उसका रीजन है कि एटम्स हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, या कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के साथ दूसरे एटम के साथ जुड़े हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स है, उस हिसाब पे उसका बेस आएगा, उसकी वैल्यू आएगी. एंड जो हम कैलकुलेट करते हैं ना उसे रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक रेडियस वी कैलकुलेट. ठीक है, अब जैसे ये कोवलेंट रेडियस ही है. देखो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है सब बच्चों को पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. मान लो ये दो एटम्स हैं, ये A2 है, लेट अस सपोज A2 मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, क्योंकि जो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है. AA क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, तो एटॉमिक कोवलेंट, अभी देखो फोर्सेस कौन सा था, कोवलेंट था, इसलिए जो ये जो रेडियस कैलकुलेट होगा इसको भी कोवलेंट रेडियस ही बोलेंगे. तो कोवलेंट रेडियस क्या हो गया? कोवलेंट रेडियस इज वन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स ज्वाइंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो ये जो आपका ए ए डिस्टेंस था ना, इसको अगर आप 1/2 कर दोगे तो आपका आर ए कैलकुलेट हो जाएगा, रेडियस ऑफ द एटम. ये कोवलेंट रेडियस है क्योंकि दो एटम्स के बीच में क्या बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था. अब दिक्कत कहां पे आई देखो, अगर आपके पास ए बी टाइप आ गई, ए बी टाइप क्या बोलेंगे बेटा, वो होमो था ना, ये कौन सा आ गया, हिट्रो आ गया, हिट्रो डायटोमिक. लो मैं उसको होमो लिख देती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर लो दोनों को. ये है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल.
यह हिट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल. अब हिट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये दो एटम है. ऑब्वियसली व्हेन द टू डिफरेंट एटम्स आर देयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द वन वुड बी ग्रेटर देन द अदर, कोई किसी की भी ग्रेटर देन हो सकती है. तो व्हाट वुड हैपन, द वन व्हिच इज हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड इट विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव. तो अब क्या होगा, ये आयन्स में कन्वर्ट होगा, ये न्यूट्रल नहीं रहे. तो अब इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना वो भी चेंज हो जाएगा. मतलब अब जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा ज्यादा, उसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा. बेसिकली अब ये कोवेलेंट रेडियो ही रहा ही नहीं, अब ये आयोनिक बन जाएगा. और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ना, जो हम पहले मान के क्या चले थे, पहले हम मान के चले थे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, और इसका हाफ कर देंगे तो अप्रोक्स देखो इसका हाफ, एग्जैक्टली हाफ तो रेडियस नहीं दे रहा है, बट फिर भी हमें इस फोर्सेस के बेस पे लेना पड़ेगा ना, ये एग्जैक्टली हाफ है इसका. जब हम ऐसे इसका हाफ करते हैं तो देखो कुछ पोर्शन इसमें से कम हो गया है ना, तो बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली वी कॉल इट एज अ कोवेलेंट रेडियस. और मैंने पहले ही बोला कि ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कैलकुलेट नहीं हो सकती. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी हिट्रो एटोमिक ए बी टाइप हिट्रो एटोमिक डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, जो आपका डी था या जिसको आप ए बी बोल रहे हो, इसको आप आर ए प्लस आर बी डी के बराबर नहीं था. ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो अगर ये ए है ये बी है ये डी है, तो आपका डी आर ए प्लस आर बी के बराबर नहीं है, आपका डी लेस देन हो जाएगा आर ए प्लस आर बी से, ही एक दूसरे के पास आ जाएंगे, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो कोवेलेंट रेडी आपका ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, यानी कि डी की वैल्यू आर ए प्लस आर बी से कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी, जितनी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. या आप ये भी बोल सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा ये गलत कैलकुलेशन आएगी. मतलब हेट्रो के केस में कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना बिग प्रॉब्लम. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज योर आयनिक रेडियाई. ठीक है, आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन लिख लेते हैं. देखो इट इज द डिस्टेंस ऑफ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आयन बोल दो आयन, अप टू विच इट हैज एन इंफ्लुएंस, अप टू विच इट हैज एन इंफ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड. देखो मतलब सीधी सी बात है कि ये आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा, मेजर नहीं कर सकते आप इन्फ्लुएंस इन द केमिकल बॉन्ड. अब यहाँ पे बात की जा रही है जैसे आयनिक स्पीशीज की, NaCl. अब NaCl में कुछ ओवरलैपिंग तो है नहीं है, Na को सराउंड किया हुआ है Cl नेगेटिव ने. अब अगर Na का रेडियस कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा. अब Na का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या डेफिनेशन दी कि Na के न्यूक्लियस से लेके उतना डिस्टेंस जहां तक इसका आयनिक फोर्स है, इन्फ्लुएंस है आयनिक बॉन्ड में, मतलब जहां तक ये को अप्रोच कर पा रहा है, तो ये आपका डायफ्रेक्शन स्टडी से ही मेजर हो सकता है. अब थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियस, द थर्ड इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियस. अच्छा कोवेलेंट तो हो गया, वंडरवॉल रेडियस, सॉरी वंडरवॉल रेडियस उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. द थर्ड इज द वंडरवॉल रेडियस. अब वंडरवॉल रेडियस क्या हुआ, देखो हर कोई रेडियस उसकी फोर्सेस के नाम पे है. व्हेन द टू एटम्स आर जॉइंड बाय द वंडरवॉल, अब वंडरवॉल में तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल आर द वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस. तो वीक फोर्सेस है तो मतलब एटम्स जुड़े ही नहीं होते. You can consider, you can imagine these forces in the cases of the noble gases. Noble gases are always monoatomic in case, in the stage. They are not at all joined to each other. तब भी क्या किया इन्होंने कि दोनों जो भी इसका nearest ion है, मतलब चाहे helium, helium सारे दूर दूर ही हैं, जो भी इसका nearest neighbor होगा उन दोनों का distance calculate करके उसका half. अब आप देखो इतना तो वो size है नहीं जितना extra आ गया, ठीक है ना. तो ये बिल्कुल ही
यू कैन से बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बिल्कुल ही आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, दिस इज इट इज द वन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नेबर्स, एडजेसेंट नेबर्स इन द नॉन बॉन्डेड स्टेट। यहां पे ये बहुत बड़ी बात है, नॉन बॉन्डेड स्टेट मतलब जब दो एटम आपस में बॉन्डेड भी नहीं है तब भी उनके डिस्टेंस को वन हाफ करके लोगे तो दैट इज कॉल्ड एज द योर वन डर वॉल रेडियस। अच्छा अगर हमें ऑर्डर लगाना हो, वन वी आर हैविंग द कोवलेंट रेडियस, अदर वी आर हैविंग द वन डर वॉल रेडियस एंड देन वी आर हैविंग योर आयनिक रेडियस, तो वट वुड बी द ऑर्डर इन द जर्नल, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? वंडरवॉल की ज्यादा होगी बेटा, कोवलेंट की थोड़ा ना ज्यादा होगी, कोवलेंट तो कम है। ठीक है तो वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ये तो है श्योर, वंडरवॉल रेडियस बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? आयनिक, आयनिक रेडियस तो होता है ये छोटा आयनिक रेडियस, क्योंकि आयनिक फोर्सेस क्या होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। और मैं बताती हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे ये एक्सेप्शन में जाएगा, और यहाँ पे आता है आपका कोवलेंट। ये तो है जनरल में ट्रेंड। ठीक है अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एटम। अब मान लो कि एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है आपके पास बड़े बड़े एटम्स के बीच में, और उसके कंपैरिजन में कोवलेंट बॉन्ड है पीरियोडिक टेबल में जहां पे आपका नॉन मेटालिक वाला पोर्शन कार्बन वाला पोर्शन है वहां पे, तो उस केस में फिर आयनिक रेडियस बड़ा हो सकता है इन कंपैरिजन टू द कोवलेंट बॉन्ड। इन जनरल ये चलेगा बट यहाँ पे सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, बट वंडर वॉल चलेगा। ये आप तब क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो जब आपको एग्जाम्पल दी हूँ। अब सब बच्चों को पता है कि सोडियम का साइज कंपेयर किया जाए और उधर से कार्बन फैमिली का साइज कंपेयर किया जाए तो सोडियम जो है वो बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसका आयन भी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो उस केस में कार्बन या उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स जो हैं उनके साइज काफी ज्यादा वेरी करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो ये तो हो गया आपके साइजेस का ऑर्डर। अब हमने लगाना था एस ब्लॉक के केस में क्या होता है। ओके, इन द केस ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको जरा एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। ग्रुप वन के लिए हाइड्रोजन था हमारे पास, देन लिथियम है, देन सोडियम है, देन पोटाशियम है, then is a rubidium, then is a cesium and then is a francium. Now the question is if we are talking about along the group, what do you think along the group size kya hoga, badhega kam hoga? Badhega, decrease hoga along the group, increasing। हाँ जी बेटा, atomic size increases along the group, और उसके दो reason है। पहला reason क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। एक तो डाउन द ग्रुप जाते हुए नया शेल एड हो जाता है, एंड द सेकेंड थिंग इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ऑपरेट होता है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है देखो, ये बिल्कुल आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो बेटा कि जैसे आपकी क्लास है, लेट अस सपोज कि वी आर हैविंग 5 to 6 रोज, तो जो फर्स्ट रो पे बैठे हुए बच्चे हैं वो पिछली रो पे बैठे हुए बच्चों को शील्ड कर लेते हैं, टीचर का पूरा ध्यान वहां तक नहीं जा पाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये न्यूक्लियस है और जहाँ पे आपके पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाले जो शेल्स है ना इसको बोलते हैं इनर शेल्स हैं ये। ठीक है, तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर वालों तक न्यूक्लियस का पूरा चार्ज नहीं पहुंचने देंगे। क्या होगा उसमें, पहली बात तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो होंगी, ये भी तो देखो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से है, इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
ठीक है, ये मतलब ये वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेंगे, आपने जो इसके विसिनिटी में है उसके दायरे में है उसको रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हैविंग द योर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनर इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको पता है। इन दोनों के कारण नेट इफेक्ट क्या आएगा कि जो जेड डिफेक्ट है, जेड डिफेक्टिव क्या होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसकी वैल्यू होती है जेड एक्चुअल माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये जेड एक्चुअल है जितना जाना चाहिए था, और एस का मतलब होता है यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जो आपके पास साइज होता है या एटॉमिक रेडियस होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी लास्ट वाले शेल पे न्यूक्लियस की पूल इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना कम, यू कैन से जितनी ज्यादा पूल होगी उतना कम साइज होगा, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, या स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप। सो साइज इंक्रीजेस, तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब कुछ इसके जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आयंस लिखे हैं, Mg2+, Al3+, एंड आफ्टर दैट इज द N3-, O2-, F2-। इसका आपको मुझे साइज का वेरिएशन देना है, ठीक है। चलो पोल जनरेट कर लेते हैं, या पहले आप ऐसे वैसे भी बता सकते हो, दिस इज A, B, C, D, E and F, एंड फर्स्ट पॉइंट आप इसका ले सकते हो, DEF, थर्ड ऑप्शन इज ABCDEF, फोर्थ ऑप्शन इज DEF AB and C। ओके, ट्राई टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन बट क्विकली, जल्दी से बताओ। Everybody has to give the answer. Half of the student, half भी नहीं है भाई. Quickly, I have to explain the other property too. इसके साथ related था तो मैंने अभी दे दिया आपको question. जल्दी से. Most of the student नहीं कर पा रहे हैं. Quickly. Why the rest are not giving the answer? देखो,
बेटा इसमें इसी क्वेश्चन में ना पहले आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेक करो। देखो पहली बात तो आपने इलेक्ट्रॉन चेक करे होंगे, सब में टेन टेन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस मैम। ऑल्सो हैविंग द टेन इलेक्ट्रॉन, तो दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दीज आर कॉल्ड एज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Now in the case of the isoelectronic species, what would happen? Here in the case of the isoelectronic species, we are having the proton calculation. देखो, देखो plus charge आने से electrons तो change हो रहे हैं, proton तो उतने ही रह रहे हैं। तो here atomic number जितना उतने ही proton होंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। अब आप देखो कहाँ पे z defective सबसे ज्यादा है। z defective actually में calculate करेगा कि किसका साइज कैसा है। जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या है भाई, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ पे है 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन्स 13, दे आर इंट्रैक्टिंग विद द 10, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इन शॉर्ट जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा होगा सी। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज किसमें कम है, बी। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज किसमें कम है, ए। अब नेगेटिव पे आ जाओ, नेगेटिव इसमें 7 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इसमें 9 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। किस केस में फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे जहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा होता है उतना साइज बड़ा होता है। तो इस केस में डी सबसे बड़ा होगा, देन ई, देन एफ, देन ए, देन बी, देन सी। चार बच्चों ने क्लास में सिर्फ सही आंसर दिया है। तो जेड डिफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। और आप याद रखो कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केसेस में कैसे होगा कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द साइज डिक्रीजेस एंड एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, ये मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रही हूं, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस द साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, पहले 10-10 इलेक्ट्रॉन सबने देख लिए, फिर जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज है वो सबसे बड़ा आयन है, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा आयन है। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलो अगर मैं कुछ स्पीशीज की बात करूं, जैसे Na और Na प्लस, कौन बड़ा है भाई इसमें से? ये है कैटायन Na मैम। हाँ, पेरेंट आयन, पेरेंट एटम, यानी कि कैटायन का साइज तो हमेशा छोटा होएगा ना पेरेंट से। Cl नेगेटिव और Cl में से कौन बड़ा है? Cl नेगेटिव। तो एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा होगा। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो कॉपर, कॉपर प्लस एंड कॉपर टू प्लस, तो क्या करोगे? सबसे बड़ा सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद कॉपर प्लस का। ठीक है, सबसे बड़ा कॉपर, फिर उसके बाद कॉपर प्लस और सबसे छोटा कॉपर टू प्लस। हाँ, यही क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव में आ जाए तो क्या करोगे? ए टू नेगेटिव सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि साइज कैसे वेरी करता है। तो मेरे ख्याल से साइज वाला क्वेश्चन तो क्रैक हो जाएगा। चलो अलोंग द पीरियड भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अलोंग द पीरियड इन द जनरल ट्रेंड क्या होगा? साइज डिक्रीज। यस, अलोंग द पीरियड द साइज डिक्रीजेस और रीजन बीइंग नंबर ऑफ द शेल्स रिमेन सेम, सेम शेल इलेक्ट्रॉन में, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। नंबर ऑफ द शेल रिमेन सेम, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सेम शेल। एंड द सेकेंड थिंग इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट होगा अलोंग द पीरियड? नो मैम। नो जी, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट वुड बी देयर।
ठीक है। अब आप देखो एक ही सेम शेल में अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, और लास्ट सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज होगी। अलोंग द पीरियड वी कैन से जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस तो बेसिकली द साइज वुड डिक्रीज, द साइज वुड डिक्रीजेस। तो दिस इज योर एटॉमिक साइज वेरिएशन। इसके लिए ले लेते हैं चलो हम सेकेंड पीरियड का क्वेश्चन, पीरियड सेकेंड। अब मेरे पास है बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको लगाना है ऑर्डर ऑफ द साइज। जस्ट चेक आउट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेरिलियम इज 2s2, बोरॉन इज 2s2 एंड 2p1, कार्बन इज 2s2 एंड p2, नाइट्रोजन इज 2s2 एंड p3, ऑक्सीजन इज 2s2 एंड p4, फ्लोरीन इज 2s2 एंड p5, इजंट इट। मैंने 2 2 को रिपीट नहीं किया है, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वुड रिमेन सेम, तो बस मैंने p की एडिशन कर दी है इसमें। 2s2 2 पे नहीं लिखा है, उसको कॉमन 2 लिख दिया। हाँ जी, बेरिलियम से बोरॉन में जाते हुए क्या होगा, किसका साइज बड़ा होगा? बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम। ओके चलो, बेरिलियम का साइज बड़ा है, बोरॉन का साइज छोटा हो गया। उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज लार्ज है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। ऑक्सीजन हैज लार्ज साइज ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ जी बिल्कुल, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर से फ्लोरीन का साइज स्मॉल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नोबल गैस में ऐड कर दूं, तो नोबल गैस का तो पहले ही आपको बताया था, ठीक है ना, तो इसमें भी नोबल गैस का साइज बड़ा होगा। नोबल गैस का साइज क्यों बड़ा होगा, क्योंकि उसमें कौन सा रेडियाई है? वंडरवॉल्स रेडियाई। हाँ जी बिल्कुल, वंडरवॉल्स रेडियाई होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे भी एस में रिपल्शन ज्यादा होती हैं और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती है बेरिलियम की, क्योंकि इसमें पी में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। चलो वो आयनाइजेशन एनर्जी वाले पॉइंट में करेंगे। अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका साइज की वेरिएशन। नाउ वी कैन मूव टू द आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी required to remove most loosely bound, या पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, चलो एक ही बात है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन most loosely bound outermost electron in the gaseous state, or the other word you can write it as a to remove the outermost electron from the most loosely bound gaseous state of an atom. So do baatein clear hui, pehli baat to this process is endothermic, theek hai, matlab delta h plus rahega isme, to aap thermodynamics bhi bahut acche se pad chuke ho, isme delta h plus rahega। दूसरी बात, जो आपकी मेटल रहेगी वो गैसीयस स्टेट में रहेगी और उसको एनर्जी सप्लाई करनी है हमें, और उसको गैसीयस स्टेट से पहले कैटायनिक स्टेट में चेंज करना है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब बताओ एल्कली मेटल होती किस फेस में है, फिजिकल स्टेट उनका कौन सा होता है? सॉलिड। जैसे मेरे पास सोडियम है, अब सोडियम का आयनाइजेशन कैसे होगा? सोडियम है पहले मेरे पास सॉलिड स्टेट में,
तो पहले सॉलिड स्टेट से उसे लाया जाएगा गैशियस स्टेट में, तो सबसे पहले उसको सप्लाई करनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन लिख देते हैं, ये देनी पड़ेगी उसे, सब्लिम देनी पड़ेगी तो प्लस लिख देते हैं। तो सब्लिमेशन एनर्जी इसको सप्लाई करी तो ये किस में आ गया, गैशियस स्टेट में। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी इसको सप्लाई करी जाएगी तो ये आ गया गैशियस स्टेट में आयन। फिर उसे पानी में डाला जाएगा, ठीक है, जब उसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या बन गया, सोडियम प्लस इन द एक्वस फॉर्म आ गया। तो जब वाटर में डालते हैं ना, प्लस वाटर करते हैं, तो इसमें से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, ये रिलीज होगी तो ये बन गया आपका गैशियस स्टेट में आयन, ठीक है। तब आगे आप इसके जो भी स्टडी करना करते हो। अब अगर किसी भी एटम के लिए जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो बाकी दो जो स्टेप्स हैं उनकी नीड को पूरा कर दे, तो वो आयन फॉर्मेशन स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना बिजनेस में, अगर जो प्रॉफिट होता है उसे हम यू कैन से वो कंपनसेट कर सके हमारी कॉस्ट को, या उससे ज्यादा हो, कंपनसेट भी नहीं, ठीक है, तभी वो बिजनेस फायदे का है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी में इतनी एनर्जी रिलीज हो कि वो सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों की नीड को ओवरकम कर दे, तब वो आपका आयन फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इसका मतलब है उसको लिख देंगे कि दैट डजंट फॉर्म, ठीक है, वो स्टेबल आयन नहीं है। तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी देख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहला फैक्टर है साइज। हाँ जी, क्या होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयनाइजेशन एनर्जी जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा लगेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? अगर आयनाइजेशन एनर्जी को जेड इफेक्टिव से रिलेट करो तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितनी न्यूक्लियस की पकड़ होगी उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, मींस उतनी आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। थर्ड इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज होगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा? पहले तो बताओ स्क्रीनिंग करता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव कम होगा, है ना, जितना जेड इफेक्टिव कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, आपकी कम लगेगी, क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, ये आप पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरी इनऑर्गेनिक में करते रहोगे ये फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ते हैं हम कि हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड सब शेल्स हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी तो जितनी भी स्टेबल होंगी कॉन्फ़िगरेशंस उनकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। P3 में से, D5 में से, F7 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। देखो मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड आल्सो एम्प्टी, ठीक है, तो ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एम्प्टी में से तो खैर क्या इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ, एम्प्टी भी स्टेबल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी। और है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेनिट्रेशन पार, फिफ्थ पॉइंट है बेटा पेनिट्रेशन पार। देखो जैसे SPDF ऑर्बिटल हमने पढ़े थे, RPD प्लॉट उनके पढ़े थे, पेनिट्रेशन पावर, अगर आपके पास n सेम है, इफ n इज सेम, n किसकी बात मैं कर रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात मैं सेम कर रही हूँ, तो आपके पास अब जो s ऑर्बिटल है और p है और d है और f है, ये जो सबशेल्स हैं,
ये इनकी पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है. पहले पेनिट्रेशन पावर समझ लो क्या होता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस. पेनिट्रेशन पावर मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेनिट्रेशन पावर. अभी ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है. तो बेटा जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और पेनिट्रेशन पावर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं. एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, पी में से कंपैरेटिवली इजी है, डी में से इजी है और एफ में से भी इजी है. ठीक है, चलो ये हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस. अब हम जनरल ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं इसके की प्रायोरिटी टेबल. अच्छा, किसमें मेजर करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को? आयनाइजेशन एनर्जी आपकी एनर्जी है. तो जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते थे या जूल लेते थे या कैलोरीज लेते थे, इसको हम मेजर कर सकते हैं. सक्सेसिव ज्यादा होती हैं आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद. चलो वो भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम. जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल ट्रेंड्स इन द आयनाइजेशन एनर्जी, इन द आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ जी बेटा, अलोंग द ग्रुप की बात करो पहले क्या होगा. अलोंग द ग्रुप क्या होएगा? डिक्रीज. साइज इंक्रीजेस तो द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, है ना. अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, अब आ जाते हैं हम अलोंग द पीरियड पे. नाउ लेट्स चेक इट आउट कि अलोंग द पीरियड व्हाट वुड हैपन. यस बेटा, अलोंग द पीरियड साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज. ठीक है, चलो आपसे एक ऑर्डर चेक करवा लेते हैं. बेरिलियम बोरॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, दिस इज ए, दिस इज बी. द वन इज ए इज ग्रेटर देन बी, सेकेंड इज ए लेस देन बी, थर्ड इज ए इक्वल टू बी, फोर्थ इज यू कैन से कांट बी, डाटा इज इनसफिशियंट, डाटा इनसफिशियंट. मतलब आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे. लेट्स चेक इट आउट. चलो बेटा ट्राई करो फटाफट. Thank you.
Yes, most of the students have given the option B. 10 of the students have given the option B. The rest are not at इतना easy question है आप इस पे भी try नहीं कर रहे हो. So I am ending the poll sharing. देखो किस bracket में आप लोग lie करते हो. Let's check it out the answer. What is the electronic configuration for the beryllium? 2s2. What is the electronic configuration for the boron? 2s2 and 2p1. अब पहले तो आपको साइज का ट्रेंड देखना है. साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, तो बोरॉन का साइज छोटा है बेरिलियम से, बट स्टिल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बोरॉन इज लेस देन द बेरिलियम, यानी कि V की वैल्यू लेस होगी A से. ये था करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, उसका रीजन क्या है, कौन सा पॉइंट लगेगा इसमें? साइज वाला पॉइंट नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है पॉइंट पेनिट्रेशन पावर वाला. और पेनिट्रेशन पावर को जरा चेक करो हाउ यू आर सेइंग अबाउट इट. मैंने क्या बोला था, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी में से आसान है, डी एफ में से और आसान है. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, तो पी ऑर्बिटल से करेगा. यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 से करेगा, तो इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली हो जाएगा. और बी की वैल्यू, अच्छा मैंने अपोजिट आंसर लिख दिया है, वेट 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 वेट, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी ए की, बी की नहीं. ए में बेरिलियम है ना, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? पी में से, तो पी में कम एनर्जी लगेगी, तो ए की ज्यादा होगी बी से. ए बी से ज्यादा बेटर है लिखना, बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरॉन से. ठीक है, तो ए आंसर वाले करेक्ट है भाई. मेरे ख्याल से सब बच्चों ने साइज के बेस पे आंसर दे दिए. तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है बेरिलियम से बोरॉन में जाते हुए, ध्यान में रखो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा पी से, और पी से इलेक्ट्रॉन लॉस इजी है, तो बोरॉन की कम है और बेरिलियम की ज्यादा है. इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. यस मैम. और फटाफट से आंसर लेते हैं आपसे. नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देना है हमें. पहला ऑर्डर है कि ये, सेकंड ऑर्डर है ये, थर्ड ऑर्डर है ये, फोर्थ ऑर्डर है ये, ट्राई क्विकली. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है ये. तो Why the registrar not participating? यहाँ पे आपको कोई मार्क्स थोड़ा दिए जा रहे हैं, स्टिल आपको डर लगता है ऑप्शन टिक करने में. बिल्कुल इक्वल वेटेज है, 1, 2, 3, 4 ऑल ऑप्शंस आर सेम वेटेज, और दे आर हैविंग 6, 6, 5, 6 सर स्टूडेंट्स. ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ. सी द ब्रैकेट इन विच यू पीपल आर लाइन. देखो यहाँ पे भी क्या गलती कर रहे हो आप लोग, आप उस साइज के बाद बाकी पॉइंट सोचते ही नहीं हो. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. 2s2p2, 2s2p3, 2s2p4.
तो ये क्या है बच्चा, इसमें पी सबशेल हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड के बारे में क्या बताया था बताओ तो मैम। हाफ फिल्ड है, हाँ जी एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये वो स्ट्रक्चर थी नाइट्रोजन की जिसमें आपके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इससे भी हाई है इससे भी हाई है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। कार्बन साइज के बेस पे तो आप ये आंसर दे दोगे कि कार्बन सबसे छोटा है, नाइट्रोजन उससे बड़ा, ऑक्सीजन उससे बड़ा, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑपोजिट टू साइज चलोगे तो ये ऑप्शन है, इसका तो मीनिंग ही नहीं था। खैर ये वाली जो ऑप्शन थी इस वाली में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी दोनों से हाई है, दैट वाज अ करेक्ट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास है बोरॉन एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे क्या साइन आएगा ये बताना है, ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा या नॉट इक्वल का साइन है। नॉट इक्वल वाला फिर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो एक को बता देते हैं नन, कुछ भी नहीं रिलेशन या नो रिलेशन, नो रिलेशन। जल्दी से आंसर करो, हमारे पास टाइम कम है, इससे और आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कि कैसे किया आपने। क्विकली एवरीवन पार्टिसिपेट, आई हैव शेयर द रिजल्ट विद यू। ये क्वेश्चन तो आपका सही होना चाहिए था, बिकॉज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, बेरिलियम से ऊपर एलिमेंट था मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से ऊपर था बोरॉन, तो आपको पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी आनी चाहिए। अब ये था 2s2 एंड 2s2 2p1, ये क्या हो जाएगा 3s2 3s2 3p1, तो जो लॉजिक लगा था बेरिलियम बोरॉन में वही यहाँ पे भी लगेगा, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एल्युमिनियम की कम होगी, और उसका रीजन क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन पावर पॉइंट जाएगा P से जाएगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, और S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है अगर इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। तो कौन सा ऑप्शन इसका आना था, ग्रेटर देन वाला यानी कि A। अगर इसको साइज के बेस पे लेते हो तो एल्युमिनियम का साइज छोटा है, तो फिर आप इसकी ज्यादा भी लगा सकते हो, यानी कि बी ऑप्शन भी लगा सकते थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर को इसके साथ चलाते चलेंगे जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, तो इजी चैप्टर है, अच्छे से आ जाएगा बेटा, रिवाइज कर लेना इसको। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय बाय बेटा।